हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजा। दोस्तों, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं और दोस्तों अगर आपको आपका एटीएम कार्ड रिसीव हो चुका है, तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी प्रोसेस बताने वाले हैं जिससे कि आप उस एटीएम का पिन घर बैठे ही जनरेट कर सकते हैं। आपको किसी भी एटीएम मशीन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप आसानी से घर बैठे मोबाइल से ही अपना एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको सिर्फ वीडियो को देखते जाना है। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप कोई भी स्टेप मिस कर जाएंगे, जिसके बाद आपका एटीएम पिन जनरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी मशीन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ब्रांच जाने की ज़रूरत है, ना कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको यही वीडियो लास्ट तक देख लेना है, उसके बाद ही आप अपना एटीएम का पिन जनरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए दोस्तों, हम आपको यहाँ पर लाइव प्रोसेस आपके सामने ही करके बता देते हैं। पिन जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों, मैसेज बॉक्स में चले जाना है। उसके बाद आपको अपने मैसेज बॉक्स में लिखना है डीसी पिन, उसके बाद स्पेस दे देना है। स्पेस देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस नंबर पर इस मैसेज को सेंड कर देना है, 5607040। दोस्तों, जैसे ही आप इस मैसेज को सेंड कर देते हैं, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको नेक्स्ट स्टेप बता देते हैं। सिंपली दोस्तों, आपको पीएनबी की वेबसाइट पर आ जाना है, जिसके लिए आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है पीएनबी। जैसे आप सर्च करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाती है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है, आपको दूसरी लिंक मिल जाएगी pnb.com। तो आपको सिंपली सा इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पर लॉगिन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जनरेट डेबिट कार्ड पिन, तो सिंपली सा आपको इसी पर क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आप जनरेट डेबिट कार्ड पिन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जनरेट डेबिट कार्ड पिन, तो सिंपली सा आपको इसी बटन पर फिर से टैप कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे, अब आपको यहां पर आपका अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद सिंपली सा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो हम अपना अकाउंट नंबर यहां पर फिलअप कर देते हैं। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो सिंपली सा आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे आ जाना है। तो हम अपना ओटीपी यहाँ पर डाल देते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका यहाँ पर कस्टमर नेम यानी कि आपका नाम आ जाता है, जो भी बैंक में आपका नाम है। उसके बाद सिंपली सा आपको अपने कार्ड नंबर डाल देना है। कार्ड नंबर यानी कि आपका एटीएम पे जो नंबर होता है उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपने एसएमएस सेंड किया था शुरू में, उसके बाद आपको एक 6 डिजिट का ग्रीन पिन मिला हुआ होगा, तो 6 डिजिट का आपको यहाँ पर सिंपली सा ग्रीन पिन यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको जो यहाँ पर कैप्चा शो कर रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे आ जाना है। तो हम अपनी डिटेल को यहाँ पर फिलअप करके आगे वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी डिटेल को फिलअप कर देते हैं, उसके बाद नया ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एटीएम पिन बना लेना है। 4 अंकों का कोई भी पिन आप बना सकते हैं। देन उसके बाद आपको दोबारा से उसी पिन को यहाँ पर री एंटर कर देना है। री एंटर करने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर अपनी डिटेल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है योर डेबिट कार्ड पिन हैज बीन सेट, प्लीज़ डू नॉट शेयर विथ एनीवन, यानी कि आपका पिन सक्सेसफुली बन चुका है, अब यह पिन आपको किसी के पास भी शेयर नहीं करना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि मैंने यहाँ पर घर बैठे ही आपको एटीएम पिन बना के बता दिया है पंजाब नेशनल बैंक का। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।